हेलो एंड वेलकम टू गौरव वीडियोस दोस्तों। अगर आप जीटी सिंडियास खेलते हैं तो क्या आप उन पुलिस वालों की कार से बोर हो गए हैं? अगर बोर हो गए हैं तो क्या चाहते हैं आप नई कार आए? क्या पुलिस वाले लैम्बोर्गिनी से हैं? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दो ऐप डाउनलोड करने होंगे जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो आपको ये दिख रहा है जेड आर्चीवर, और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है GTA IMG2। ये इन दोनों ऐप को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले इन दोनों ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको जेड आर्चीवर ओपन करना है, फिर आपकी जहाँ पे फाइल है उस फाइल को आपको ढूंढना होगा। जैसे कि मेरे मेमोरी कार्ड में यूसी डाउनलोड्स कैच इस यहाँ पे है मेरी वो फाइल। ये आपको इस तरह की कुछ फाइल मिलेगी, आपके हो सकता है डिवाइस मेमोरी में आए, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, वैसे तो मैं IMS में कर दूंगा। यहाँ आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए इसे, ये देखिए एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह की फाइल आपके पास आएगी। ये देखिए, तो इस पर क्लिक करें, फिर DFF पे जाना है। उसके बाद इस फाइल को आपको यहाँ से कट कर लेना है, बैक डिवाइस मेमोरी में आपको उसको रख लेना है। उसके बाद आपको एंड्रॉयड में जाना है, डाटा में, अपने डिवाइस के डिवाइस मेमोरी के एंड्रॉयड में जाना है, डाटा में जाना है जहाँ पे आपका वो GTA इंडियाज का फोल्डर होगा रॉकस्टार गेम्स का। फिर फाइल्स में जाना है, और उसके बाद आपको TextDB नाम का एक फोल्डर मिलेगा फाइल्स में, तो इसको ओपन करना होगा। तो ये देखिए हम इसे ओपन करते हैं। फिर यहाँ से आपको एक फाइल को कट कर लेना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है वो फाइल GTA 3 IMG, इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा डिलीट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गेम आपको दोबारा एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी पूरी फाइल। इसको डिवाइस मेमोरी में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गई है दोनों फाइल, ये दोनों फाइल ये आप यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके बाद आपको GTA IMG टूल ऐप को ओपन करना है। ये इसे ओपन करेंगे, फिर ओपन IMG पे जाएंगे, फिर अपनी वो GTA 3 जो इमेज आपने रॉकस्टार गेम्स के फोल्डर से निकाली थी उसको सेलेक्ट करके फिर सेलेक्ट ओके कर देंगे। फिर आपको जिस कार से इसे चेंज करना है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैं कॉप पुलिस वालों की कार से चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना होगा कॉप कार। तो यहाँ पे देखिए कई चार ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें से आपको कॉप कार्ला वाला चुनना है। ये रहा कॉप कार्ला, तो इस पर आप होल्ड करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे चार, इसमें से आपको रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस कार से रिप्लेस करना चाहते हैं उससे, तो हम लोग लैम्बोर्गिनी से करना चाहते हैं, तो हमें ये बेंसी नाम का जो है इस पर क्लिक करना होगा, फिर सेलेक्ट करना होगा। तो ये कुछ सेकंड लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। उसके बाद देखिए इस तरह का आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं, उसके बाद रीबिल्ड पे क्लिक करना है, फिर देखिए रीबिल्डिंग शुरू हो जाएगी। हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे इस वीडियो पे लाइक दीजिएगा कम से कम, नहीं तो 100-200 लाइक तो 200 बनते ही हैं। आप जरूर देख के तुरंत लाइक करिएगा, पहले जाके लाइक करिए फिर वीडियो को आगे देखिए। कोई फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल वीडियो है, कोई इसमें अलग नहीं है, इसमें एकदम रियल वीडियो है। तो आपको इस पर लाइक देना तो बनता ही है। जो आपको प्रॉब्लम लग रही है नहीं हो रहा है, हो रहा है, जो भी है, आपको अच्छा लगा कि और बनाओ जैसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज़ दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबर्स की सख्त ज़रूरत है, इसलिए खुद सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को कहिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करिए। तो मैं इस रिबिल्डिंग को स्किप कर देता हूँ ताकि आपको बोर ना लगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी रिबिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस अब 1% रहा है, 13,556 होने, बस 57 होना है, एक बस ये हो गया। तो अब आपको इसको हटा देना है, फिर आप जेड आर्चीवर में जाना है
और ये जो आपने GTA IMG की फाइल जहाँ से लाई थी वहीं पे इसको वापस ले जाना है। तो यहाँ से हम लोग इसे कट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग इसे कट कर लेंगे, कट। फिर एंड्रॉइड में जाएंगे, डाटा में, रॉकस्टार गेम्स में, फाइल्स में जाएंगे, TXT में, उसके बाद इसको वहीं पे पेस्ट कर देंगे। बस दोस्तों, हम लोगों का ऑपरेशन कंप्लीटेड, सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको सारी रिसेंट ऐप हटा दीजिए, अपने रैम को क्लीन कर लीजिए ताकि आपका गेम बिल्कुल भी हैंग ना करे। वैसे तो नहीं हैंग करेगा, बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा कर लिया ताकि हैंग ना करे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आप GTA San Andreas सिर्फ 410 MB में डाउनलोड कर लेंगे। मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, हम लोग न्यू गेम पर जाते हैं। चलिए स्टार्ट न्यू गेम। देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पुलिस कार है, देख सकते हैं आप, ये पुलिस कार है। यकीन अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये देखिए सायरन आप सुन सकते हैं। देखिए वीडियो पसंद आई हो, मैं आप पहले हटा देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा ताकि आपको इस तरह के न्यू न्यू